जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तभी से फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहता था, और बहुत ही जल्दबाजी में इस साल अप्रैल में ब्रुसेल्स में हुए नेटो सम्मेलन में फिनलैंड को नेटो में शामिल करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया था। और फिनलैंड के लिए नेटो का सदस्य बनना भी बेहद ही जरूरी था, क्योंकि उसे बार बार यूक्रेन युद्ध का खतरा खुद के ऊपर आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि फिनलैंड का रूस से 1,335 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर मिलता है, और यही वजह थी कि फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहता था। लेकिन नेटो में शामिल होने के बाद अब फिनलैंड को ऐसा लग रहा है कि वो मुसीबतों में घिर चुका है, क्योंकि नेटो सदस्य देशों के रूप में उसे सभी तरह की वित्तीय, कानूनी और रणनीतिक जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। इसको लेकर फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के डिफेंस पॉलिसी के डायरेक्टर जनरल जेन कुसेला का कहना है कि नेटो में शामिल होना एक खर्चीला काम है और यूक्रेन को मदद देना और भी महंगा है, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। हालांकि नेटो की सदस्यता मिलने के बाद हो रहे खर्चे के आगे उसके फायदों को बेहद ही छोटे रूप में देखा जाता है, क्योंकि नेटो में शामिल होने के बाद सदस्य देशों को अमेरिका के परमाणु हथियारों की छत्रछाया जरूर मिल जाती है। नेटो के सिद्धांत सामूहिक रक्षा के हैं, लेकिन नेटो अपने सदस्य देशों से अपनी व्यापक जरूरतें पूरी करता है। इसमें न सिर्फ सैन्य खर्च बल्कि यूरोप में सर्वोच्च कमांडर द्वारा बताई गई कुछ क्षमताओं, हथियारों, सैन्य ताकत और बुनियादी ढांचे के लिए प्रत्येक देश की विशेष मांगे हैं, जिन्हें सदस्य देशों को पूरा करना होता है, और फिनलैंड के लिए इन जरूरतों को पूरा कर पाना या हासिल करना बेहद ही मुश्किल और महंगा साबित हो रहा है। इसके अलावा नेटो सदस्य के रूप में फिनलैंड को अपने सैनिकों को देश के बाहर नॉर्वे, स्वीडन या बाल्टिक देशों की तरफ ले जाने का निर्णय लेना होगा, जो अपने आप में कठिन हो सकता है, क्योंकि ये सारे ही वो इलाके हैं जो फिनलैंड की सीमा से बाहर हैं। लेकिन नेटो का मेंबर होने के नाते फिनलैंड को इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेना उसकी मजबूरी है, और यही वजह है कि अब फिनलैंड को नेटो में शामिल होना बेहद ही महंगा पड़ रहा है। लेकिन अब फिनलैंड अमेरिका से सीधे एक द्विपक्षीय सैन्य संधि के लिए बातचीत कर रहा है, जिसके पूरा होने पर दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे और फिनलैंड में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा फिनलैंड अमेरिका के साथ मिलकर ये भी तय कर पाएगा कि वो अमेरिकी सैनिकों और हथियारों को कहां-कहां तैनात कर सकता है।